नमस्कार इंडिया, आई नो एंड आई होप कि तुम लोग एकदम फिट फाइन हैप्पी एंड सुरक्षित होंगे एंड आई होप कि होना भी ऐसा चाहिए। पर मेरा क्या, मेरा नाम तो उपसीरी है, मैं महान व्यक्ति थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारे जैसी नॉर्मल इंसान हूँ। ऑफकोर्स तो मुझे भी फीलिंग्स आती है, मतलब हमारा सिचुएशन के हिसाब से रोना, हंसना, खुश, सैड, डिप्रेशन ना, दूर ही रहे ना तो ज़्यादा अच्छे, घरों में से दूर रहे डिप्रेशन। ओके गाइज, हाँ तो फाइनली गाइस आज मैं बकचोदी करने वाला हूँ एक्चुअली। ओके तो फाइनली थंबनेल लिखा, हाँ इस थंबनेल में जितने भी चिट कोड है उसके बारे में मैं नहीं, मेरे पापा आज बात करेंगे। ऑफ कोर्स गाइस तुम मिलना चाहते थे ना मुझसे, तो मेरी रियल आवाज़ तो तुम सुन नहीं सकते, बट मेरे पापा की सुन सकते हैं। अभी नहीं, जब मैं बहुत फेमस हो जाऊँगा ना तब तुम्हें मेरे पापा का और मेरी पूरी फैमिली का रियल शक्ल, संसार सब दिखा दूंगा। ओके पर अभी मैं फेमस कहाँ हूँ, थोड़ा बहुत फेमस हूँ मेरे घर में लिटरली, अभी आगे बताता हूँ। ओके हाँ तो फाइनली गाइस जो चिट कोड खाया था मैंने थंबनेल वो सब बताऊंगा, तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखना। ओके तो हेलो गाइस, केम छोरो रो सबके स्वागत बा हमार उपसेरी के चैनल पे। आज उपसेरी ने मारा चौका और लग गया छक्का, वाओ ये क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ बट कुछ तो हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। तो यू नो कि तुम लोगों पे कितना ट्रस्ट रहता है, मेरा अंदर से फीलिंग आता है बाहर से फीलिंग जाता है, मतलब ट्रस्ट तुम्हें भी होना चाहिए मुझ पे उपसेरी पे, वरना विकेट गिर जाएगा। ऐसा गिरने मत देना गाइस, विकेट तोड़ना मत मेरा, गिरने मत देना अपना, तोड़ना मत, मतलब जो समझ रहा हो समझ जाओ। तो आई एम मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि आज मैं बहुत खतरनाक स्टंट करने वाला हूँ, मतलब सॉरी बकचोदी करने वाला हूँ। मेरे लैंग्वेज पे ध्यान मत देना, मेरी बातों पे ध्यान देना, बातों में बहुत गलत गलत शब्द होते हैं तो उसमें भी मत दिल पे लेना। दिल पे लेने वाली बात है, लड़कियाँ लड़के को ले सकते अपने दिल पे या किसी और चीज़ को भी ले सकते हो दिल पे, पर मुझसे दूर ही रहो, मतलब मेरे में से दूर मत रहो, लड़कियों से दूर रहो, बहुत खतरनाक होती है, बहुत डेंजरस होती है गाइस। ऑफ कोर्स तो हाँ फाइनली गाइस पता नहीं मैं क्या बकचोदी कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पापा से मैं तुम्हें मिलाने वाला था, एक्चुअली वो मजाक था, जस्ट किडिंग गाइस। अब मैंने अच्छा इंग्लिश बोला या बुरा इंग्लिश बोला, गंदा बंदा मैंने क्या बोला मुझे खुद नहीं पता। ओके तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरी फैमिली में मुझे अभी तक किसी को नहीं पता, सिर्फ एक को छोड़ के, मेरे भाई को छोड़ के। मेरा भाई पवन उसका नाम है, एक्चुअली उसको पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए वो उस टाइम, तो सड़वा उसकी बात ही मत करो, छोड़ो उसको, दिल से मैंने निकाल दिया, मतलब एक्चुअली उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है उनको मैं यूट्यूब पे ये बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ, तो मैं अभी बताना नहीं चाहता, फिर मैं बोल दूंगा मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं वो बना रहा हूँ, पूछेंगे पैसे कहें, मैंने बोला अभी आ जाएगा, फिर समझ रहा ना ये सब, इसलिए मेरी फैमिली को पता ही नहीं है कि मैं यूट्यूब पे बकचोदी करता हूँ और लोगों को पकाता हूँ, जो लोग मैं इतना अच्छा पकाता हूँ कि लोग उसको खाते हैं बहुत चाव से, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके गाइस तो फाइनली मैं यही सब आज कर रहा हूँ काम धंधा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके तो फाइनली आगे की बकचोदी कर रहा हूँ मैं, आगे की बकचोदी सुनो गाइस। आज है डे 7, नॉट स्कूल का दिन का हमारे का बोल सकते जुलाई का, और आज है संडे। आज बहुत स्पेशल नहीं किया मैंने, कल मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सा बात किया गाइस। मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसका मतलब उसको मैंने बंदी बनवा दी उसकी, हाँ मैंने बंदी बनवा दी उसकी। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मुझसे बोला था यार कोई बंदी बनवा दे, तो क्या हुआ था ना गाइस कि मैंने नहीं बनवाया उसका, और ये सब इंटरेस्टिंग बात नहीं सुनते क्योंकि मेरे बड़े बच्चे भी सुनते हैं, तो ये पार्ट तुम स्किप कर सकते हो गाइस, मैं अब इसके आगे नहीं बताऊंगा। पर एक तरह से मैंने उसको किसी लड़के से मिलवाया, फिर वो बात किया उसने, पर हमारी जो लड़की मिली वो कह रही कि हम सिर्फ दोस्त बने के रहेंगे, तो वो उसका शुरू होने से गेम पहले ख़त्म हो गया, तो ये यहीं पे ख़त्म होता है बकचोदी। तो ऑफकोर्स आज डे 7 था तो मुझे थोड़े बहुत बुक लेने थे, एंड मैंने बताया था कि ऑफकोर्स हमारे सर आके बहुत हिटलर वाली बात कह रही कि जो IT लेगा उसको फिज़िकल एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो ऑफकोर्स मैंने फिज़िकल एजुकेशन की बुक ले ली थी बट मुझे उसको चेंज करा के हिंदी में लेना था, बट मेरे पास होम साइंस की भी बुक नहीं था। अब होम साइंस लड़कों को भी आना चाहिए, कढ़ाई वढ़ाई मेरे पापा को सब कुछ आता है, खाना वाना सब बनाना, तो ऐसे लोगों को लगता है गलत वहम कि होम साइंस में खाना बनाते हैं, नहीं जी ऐसा नहीं हो रहा, घरों में यूज़ होने वाली चीज़ों को होम साइंस कहते हैं। जैसे घर में क्या यूज़ होता है, कूलर, AC, घर में क्या ओवन यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो घर में मिक्सी वगैरह सब ग्राइंडर यूज़ होता है, वो साइंस है, होम साइंस उसको बोला जाता है। आज सबको लगता है कि होम साइंस में खाना बनाते हैं, मेरे जैसे बेवकूफ़ इंसान को, मतलब इंटेलिजेंट बेवकूफ़ इंसान को भी यही लग रहा था कि होम साइंस में खाना बनाते हैं, बट नहीं ऐसा नहीं है गाइस। तो होम साइंस लड़कों और लड़कियों दोनों को बराबर मिलना चाहिए, मेरे स्कूल में तो पता नहीं मेरे को तो मिलता है, लड़कों को मिलता है तो लड़कियों को भी मिलना चाहिए। तो आज क्या था कि मैंने पापा से पैसे लिए बुक लेने के लिए, और मैंने बुक गए मैं अपने फ्रेंड के साथ, अब मैम मेरे साथ TB जाने वाला था एस, और मेरे भाई ग्रुप में 3-4 नाम एस नाम के दोस्त,
सकते हैं। तो एक तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एक ऊपर से अलग सा ऐसा जो टीम में चला गया, और एक ऐसा है जो इधर रहता है, तो समझ जाओ बहुत सारे ऐसे ऐसे। तो तुम समझना क्या बोलूँ मैं तुम्हें, चलो मैं अगले वीडियो में या इसी वीडियो में शॉर्ट करके देखो। एक अगर मैं बोलूँगा एक ऐसे, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं बोल दूंगा उसके आगे। और एक शकू, शकू नाम कर देते हैं उसका, या साकू या सकाल जो भी उसका नाम बोलना है, शॉर्ट कर देते हैं उसका नाम, शाकू कर देते हैं। एंड एक शिवा कर देते हैं उसको, तो हाँ वही मेरा शिवा फ्रेंड था। तो गाइज मैं उसके साथ गया था बुक लेने, तो अपने दुख धरी दुख भरी कहानियाँ सबकी लाइफ में होती है, तो बता रहा है। तो गाइज मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था कि मुझे एक वैम्पायर शो जो कि इंडियन शो था तो बहुत पसंद आ गया था, तो ऑफकोर्स मैं उसको देखने लग गया था, मैं उसकी बुक चोदी में खो गया था, और मैं अभी तक देख रहा हूँ, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है। 330 से ज़्यादा अप्रॉक्स 335 बोल सकते हैं ऐसी वीडियोज़ है, बट अभी मैंने 300 भी ख़त्म नहीं किया। ओ माई शिट, इसको माई डिस्टर्ब, मैं क्या ही बोलूँ। एंड वो छोड़ो, वो अभी सीरियल ख़त्म नहीं हुआ तो मुझे दूसरे सीरियल की लग गई। ना वो इंडियन नहीं था, ना वो कोरियन भी नहीं था, चाइनीज, जापानीज, थाईलैंड, ये सब कोई नहीं था, वो टर्की, टर्की समझते हो ना गाइस, ऑफ कोर्स क्यों नहीं समझोगे, कंट्री का नाम है, टर्की शो है जो कि पता नहीं टर्की लैंग्वेज में था, बट यूट्यूब पे हिंदी में डेवलप, सॉरी हिंदी में डब्ड है, डेवलप बोल रहा था मैं, थोड़ी यार क्या ही बोलता रहता हूँ मैं, मेरी लैंग्वेज पे मुझे खुद ही ध्यान नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि मुझे वो यूट्यूब पे मिला, मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एक हमारे टीवी में चैनल है शिमारो टीवी, जिस पे दे रहा है प्यार लव जो में कहा, वैसे मेरी जिंदगी तो सिंगल ही पड़ रही है, मैंने चलो चलो टीवी पे ही देता था, तो मैंने थोड़ा बहुत एक दो एपिसोड देखा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मेरे को वहम था कि पहले ये इंडियन शो, क्योंकि शक्ल इंडियन जैसे, इंडियन लोगों के जैसे ही थी सबकी, तो मुझे लगा था कि ये इंडियन हैंडसम शो है। तो फिर जब मैंने देखा तो भाई दादी जिस टाइप के कपड़े पहन रही है, थोड़ी मम्मी, इंडियन शो में भी मैं मान सकती हीरोइन मॉडर्न है, हीरो मॉडर्न है, बट हीरो हीरोइन की फैमिली कितनी भी मॉडल हो जाए, या तो सूट साड़ी यही सब पहनेंगे, बट यहाँ पे अजीब अजीब से कपड़े थे, पूरे ढके हुए बॉडी के कपड़े, मैं कपड़े पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट इंडियन में जैसे मदर या दादी जैसे कपड़े पहनते हैं या जींस टॉप भी पहनते हैं, उस टाइप के कपड़े नहीं थे, इनके ना अलग ही कपड़े थे। तो वो देख के मुझे ऐसा लगा ओ ये तो इंडियन शो नहीं है, तो क्योंकि दादी को मैंने देखा था ना, दादी को देख के लगा कि यार दादी ऐसे कपड़े नहीं पहनती इंडियन में, तो ये बाहर का शो था। फिर मैंने सर्च किया तो ये टर्की शो निकला, एंड मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगने लग गया, तो मैं यूट्यूब पर भी देखता हूँ और टीवी पे देखता हूँ। ऐसे यूट्यूब पे आगे आगे एपिसोड देते हैं और यहाँ पे पीछे पीछे एपिसोड देते हैं, तो मैं दोनों जगह देख लेता हूँ। तो फाइनली गाइज अगर मेरी आज की बकचोदी पसंद आई, आई नो कि तुम्हें आई नहीं होगी, ऊपर नीचे से कहीं से भी आई, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करो। अरे सीधा लाइक करना, नीचे वाला मत करना, अनलाइक मत कर देना यार, करना तो कर दो, कुछ तो करो। हाँ एंड कुछ खा रहे हो, ऑफकोर्स खाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खाने से पहले हाथ धोते हो ना, धोने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करो, उसके बाद खा रहे हो तो खाओ, खाते खाते मेरे में कमेंट कर दो, मेरे में नहीं, मेरे वीडियो में कमेंट करो, मेरे पे क्या कमेंट करोगे तुम। एंड खाना खाने के बाद जो भी खा रहे हो उसको हाथ धोने के बाद वीडियो को शेयर कर दो ना, हाँ बंदी के पास भी कर सकते हो, भाई जीजा साला साली एनीथिंग पर्सन, मम्मी पापा जिसको कर सकते हो उसको कर देना, ओके। हाँ तो फाइनली गाइज कल है डे 7 या 8 है, 8 डे है, तो कल स्कूल है और स्कूल में देखते हैं क्या क्या हंगामा होता है, ओके गाइज। हाँ तो फाइनली गाइज, तो गाइज जो शुरू में थंबनेल देखा था उसके चारों चीट कोड, एक्चुअली गाइज वो मेरे पास है बट मुझे उसका आइडिया नहीं है कि वो चीट कोड क्या है। अगर तुम उसका चीट कोड जानना चाहते हो तो मैं उपसी अरी मोहित फरीद फरहान सचिन और गेम के डेवलपर, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका चीट कोड लेके जरूर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।